बठिंडा के माल रोड स्थित तो यूनियन बैंक में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से एक व्यक्ति धोखे से 6,93,000 रुपए ठग कर ले गया। दरअसल कर्मचारी पेट्रोल पंप के पैसों को बैंक में जमा करवाने आया था। इस दौरान एक व्यक्ति बैंक का कर्मचारी बनकर आया और उसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी राजू को वाउचर भरने के लिए कहा। जब राजू वाउचर भर रहा था तो वह व्यक्ति राजू का पैसों से भरा बैग लेकर भाग गया। लूट की ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान पुलिस को मौके पर बुलाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी हरिंदर सिंह मान व पुलिस पार्टी ने राजू के बयान दर्ज किए। जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि उन्होंने बैंक की सीसीटीवी फुटेज से दोषी की तस्वीरें ले ली हैं, जिनके आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पैसे लेके गया जी, 9,63,000 में पंप से पैसे लेके आया जी। अच्छा। ते 500 वाले 100,000 नोट ते और 193 नोट 1,000 वाले ले गए। अच्छा। यानी कहना कि वाउचर पहले मेरे को दो, मैं वाउचर देता। कहता मैडम से देखा के लिए अरे। फिर बोला वाउचर के ऊपर नोटन के ऊपर अपने खाता संख्या लिखो। सब पे उसने लिखाया। मैं काले पेन से लिखता। कहना काले पेन से नहीं कि हरे पेन से, नीले पेन से लिखना। फिर नीला पेन लेके आया। अच्छा। तो उस पर खाता नंबर लिखवा के तो कहना मैं जमा कराने जा रही। मैं हिदरी की बात है की सोफे की एन एफ एल सीताराम अग्रवाल 9,63,000 रुपए। अच्छा, एक बंदा जो लेके गया है। हाँ जी। नहीं सर, आई एम पहली बार जमा कराना है यहाँ पे। अगर वहीं पे बैंक है ना एफएल से, वहीं जमा करा देंगे। अच्छा। उधर कनेक्टिविटी नहीं तो वो ले इधर चले जाओ, तो इधर लेके आए कैश। सीताराम पेट्रोल पंप तो इन्हों के मैनेजर साहब पैसे जमा करवाने आए थे बैंक के, जो कि उत्थे वो लाइन के खड़े से। तो उत्थे एक बंदा धोखे नाल इन्हों पैसे जमा कराने के लिए पैसे पकड़े तो चला गया, तो पैसे लगा गया, जिसकी कि हम भाल जारी। 9,63,000 जमा करवाने आए थे, 6,93,000 लैके चल गए। जो बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे वो उन्होंने फोटो आ गई है पैसे ले जाने वाले की, बाकी बाहर उन्ह जो बाकी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने की पड़ताल चल रही है। कोशिश कर रहे हैं लभन की सीसीटीवी कैमरा, जगह तो कोई व्हीकल वगैरह आता तो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं।